दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऑपरेटर ऐड करने के क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप अपनी सीएससी आईडी के साथ में एक साथ चार ऑपरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे हमें अपनी सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेटर बनाने के लिए आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सी एस सी आई डी को एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आप अपने डैशबोर्ड में एंटर हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर ऐड ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ऑपरेटर का, जिसको भी आप ऑपरेटर बना रहे हैं, उसका जो आधार नंबर है वो एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ऑपरेटर का जो फुल नेम है वो दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, वो दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसकी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको उसका जो मोबाइल नंबर है वो दोस्तों एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है, उसके सामने आपको एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो उसकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो भी आपने यहाँ पे एंटर की है, उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उस ओटीपी को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद उसके सामने आपको वैलिडेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों आपको सेम मोबाइल नंबर के सामने आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उस ओटीपी को एंटर कर देना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो टर्म्स है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑपरेटर है वो क्रिएट हो चुका है, ऊपर आपको सक्सेसफुल का एक ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसकी जो यूजर आईडी है, यानी उसकी जो सीएससी आईडी है, और जो पासवर्ड है वो उसकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर है वो क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपका जो ऑपरेटर है वो सक्सेसफुली आपकी जो सीएससी आईडी है उस पर काम कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ऑपरेटर है वो दोस्तों क्रिएट हो चुका है, और अगर आपको उसके बारे में कोई डिटेल जाननी है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके ऑपरेटर की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप उसका एक्टिव स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप उसको परमानेंट के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, और इन केस अगर आपको इमरजेंसी में दो तीन दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, और ऐसी कंडीशन में अगर आपने अपनी आईडी के साथ में ऑपरेटर ऐड नहीं किया है, तो दोस्तों आपको आपका जो सेंटर है वो पूरा बंद करना पड़ेगा, और आपके सेंटर का जो काम है वो भी दोस्तों ठप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपनी सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर ऐड किया है तो आपके सेंटर का जितना भी काम है वो आपका जो ऑपरेटर है वो करता रहेगा। तो यहां पे आपके जो सेंटर का काम है वो दोस्तों नहीं रुकेगा, आपके सेंटर का काम ठप नहीं होगा। और यहां पे आपको अपने ऑपरेटर को अपनी ओरिजिनल सीएससी आईडी और पासवर्ड भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी सीएससी आईडी के साथ में ऑपरेटर को ऐड करते हैं तो आपके ऑपरेटर का नई सीएससी आईडी और उसका एक नया यूनिक पासवर्ड उसकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। तो आपको अपना ओरिजिनल सीएससी आईडी और पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, आपके ऑपरेटर की सीएससी आईडी और पासवर्ड अलग होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फायदा है ऑपरेटर ऐड करने का। तो आई होप दोस्तों जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, फिर कोई सुझाव है, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं जल्दी से पुराने हो जाओ, सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।